Boom. डमी, मुझे पता था तुम आओगे। क्यों ना हम एक दूसरे को। तो फाइनली दोस्तों, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट लवेबल मूवी सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का 10th पार्ट फास्ट एक्स ने पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट करके दूसरे हफ्ता पूरा करने जा रही है, यानी आज 14वें दिन पे एंट्री मान लिया है। और क्या रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, कमाल है। ना कि सिर्फ वर्ल्ड लेवल पर बल्कि इंडिया में भी। साथ ही इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में जॉन विक 4 जैसी दिग्गज मूवी को भी खदेड़ दिया। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पहले दिन कितना कमाया, मूवी कैसी है, लोगों को ये 10वां पार्ट पसंद आ रहा है या नहीं, सब जानेंगे कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी इस जबरदस्त एक्शन एंटरटेनमेंट और कार स्किल से भरी फिल्म के डाई हार्ड फैन हैं और फास्ट एक्स का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक्शन ड्रामा, फैमिली वैल्यू लेसन और कार स्किल की जबरदस्त हाई फाई तोड़ मरोड़ स्किल से भरी फिल्म फास्ट एक्स बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। रोज एक मोटी कमाई अपने खाते में रखकर इस फिल्म ने साबित कर दिया कि चाहे 22 साल हो जाए या फिर 50 साल ही क्यों ना हो जाए, मेरी फैन फॉलोइंग अमेजिंग है और अमेजिंग रहेगी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को बहुत पसंद करा जा रहा है। जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है बिल्कुल पैसा वसूल करके निकलना है। हाँ, ये है कि ड्वेन जॉनसन उर्फ द रॉक की कमी महसूस तो हो रही है, लेकिन जॉन सीना, जेसन स्टैथम और द मोस्ट अमेजिंग विलेन द साइकोपैथ जेसन ममोआ ने इस कमी को पूरी कर डाली है। दोस्तों आंकड़ा तो रोज ही चढ़ता ही जा रहा है, फिल्म का कमाल है। जी हाँ दोस्तों, बात करें इंडिया में कैसी ओपनिंग है इस फिल्म की, तो यस, धमाकेदार ओपनिंग के साथ मूवी ने पहले ही दिन इंडिया से भारी भरकम रकम अपने खाते में रखी थी और इस जबरदस्त आंकड़े से बेहतरीन खाता खोला था और लगभग 12.5 करोड़ का कलेक्शन अपने पहले ही दिन करा। इसी के साथ दूसरे और तीसरे दिन भी अच्छी ग्रोथ करते हुए और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज कलेक्ट करते हुए मूवी ने अमेजिंग ट्रेंड पर अपना नाम दर्ज किया था। साथ ही चौथे दिन भी रिदम में कमाई करते हुए पहले 4 दिन में ही लगभग 60 करोड़ के आसपास सिर्फ इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से आंकड़ा अपने खाते में रखा था, जो कि जॉन विक 4 जैसी मूवी को खदेड़ता है जो अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से सिर्फ 50 करोड़ का ही कर पाई थी। इसी के साथ अपने पहले ही हफ्ते में 79.40 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रखा था और दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी रिदम में करते हुए 8वें दिन 4.15 करोड़ रुपए कमाए, 9वें दिन 3.10 करोड़, 10वें दिन में 5.45 करोड़, 11वें दिन में 5.46 करोड़ और 12वें दिन में 2.11 करोड़ और कल यानी 13वें दिन में 2.20 करोड़ का स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर भी दे रही है और केरला स्टोरी जैसी फिल्म को भी पूरा टक्कर दे रही है। बात करें आज यानी 14वें दिन में कैसी ग्रोथ है, तो यस, अपने 14वें दिन भी मॉर्निंग से ही अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में भी अच्छी सोच अपने खाते में रखते हुए एंड ऑफ द डे शायद से शायद 2 करोड़ के आसपास कमाई कर लेगी फिल्म। और इसी के साथ शुरुआती 14 दिन के टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 100 करोड़ के ऊपर आंकड़ा सेट कर देगी। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोग बताएंगे कि फास्ट एक्स इंडिया में 150 करोड़ के ऊपर बिजनेस कर पाएगी या नहीं। दूसरा, अगर आप लोगों ने भी फिल्म देख ली है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।